अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान बंधु, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधु, गाय भैंस में ताजी बच्चा दी है या देर का बच्चा दी है, दूध बढ़ाने का एक चमत्कारी तरीका बताऊँगा आप, वो अंग्रेजी दवाई में है। किसान बंधु, आपकी गाय भैंस आप बच्चा देती है तो दूध दुहे जाते हैं तो उसका गाय माँ का गाढ़ा पीला दूध बहुत कम निकलता है। दूसरे दिन भी जाते हैं दूने तो दूध कम निकलता है, दूध का मात्रा दिन पर घटने लगता है, थन सूख जाता है। कभी कभी ऐसा हम देखे पशुपालक भाई, किसी किसान मित्र के यहाँ पशुपालक भाई के जाकर के गाय भैंस बच्चा दी और एक बूंद भी उसमें फेनुस तक भी नहीं निकलता है। बच्चा को दूध पीने तक भी माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चा को पीने भर भी नहीं मिल पाता है। इससे पशुपालक भी आप समझते हैं कि हमारी गाय भैंस को क्या होगी, मोटी तगड़ी है, स्वस्थ है, खाना पीना सब खा रही है, लेकिन थन में भी सही है लेकिन उसमें दूध नहीं है थोड़ा। किसान बंधु, एक बहुत जटिल बीमारी है, इसमें क्या होता है आप लोग को बहुत क्षति होता है। कारण कि आप लोग अच्छा ढंग से खाना पीना देते हैं, साल भर इंतजार करते हैं कि हमारी गाय भैंस बच्चा देगी तो दूध देगी, लेकिन आप दूहने जाते हैं तो एक बूंद दूध नहीं निकलता है। इस बीमारी को आप बता रहा हूँ किसान बंधु, क्या बीमारी है हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा क्या दवाई। अभी बता रहा हूँ अंग्रेजी दवाई, अभी दिमाग आएगा होमपैथ बताने लगूंगा, एलोपैथ भी बताता हूँ, उसी समय आयुर्वेद भी बताने लगूंगा। कोई निश्चित नहीं रहता कि हम कब दवाई कौन बताए, तुरंत बताने लगते हैं, इसलिए हमारे वीडियो को शुरू तक देखिएगा। किसान बंधु, आप लोग जब बच्चा गाय दी, भैंस बच्चा दी, थन में दूध नहीं है, दूध सूख गया है, थोड़ा भी दूध नहीं निकल रहा है, तो समझ जाइए कि हमारे मवेशी में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का कमी हो गया है। हमारी मवेशी कितना भी तगड़ा है लेकिन उसमें कैल्शियम का मात्रा कम है, फास्फोरस का मात्रा कम है, मैग्नीशियम का मात्रा कम है, विटामिन ई का मात्रा कम है, विटामिन डी का मात्रा कम है, समझिए कि सब स्वस्थ है। जैसे हम लोग स्वस्थ हैं, एक बैग रात को दिखाई नहीं देता है, आँख से दिखाई नहीं दिखा देता है, दिन में दिखाई देगा लेकिन रात में दिखाई नहीं देगा, तो आप समझिए कि विटामिन ए की कमी है, हमारे समय विटामिन ई की कमी है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग तो नहीं गोली खाते हैं, वो गोली वो खा लेते हैं तो क्या होता है, कोई दवाई नहीं रहता, वो विटामिन ई के टैबलेट होता है। उसी तरह मवेशी में भी अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगा, हमारे बताने का मतलब ये दूर से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कि शरीर में जो विटामिन की कमी हो जाएगा, मवेशी में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम का, विटामिन ई डी का, तो थन सूख में दूध का मात्रा एकदम बंद हो जाएगा, नहीं आएगा, खाना पीना सब खाएगी, मवेशी स्वस्थ रहेगी। उस मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी ई को पूरा करने के लिए हमें दवाई लाए हैं, वो दवाई को आपको दिखा रहे हैं, आपको माइफेक्स ले लेना है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाइए, कहिएगा कि हमको माइफेक्स दे दीजिए। माइफेक्स 450 ml का जार में, शीशा का जार इसी में आएगा। किसान बंधु, इसको आपको क्या करना है, गाय भैंस ताज़ा बच्चा दी है, एकदम दूध नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, इसको एक बोतल ला करके गर्म पानी में 3-4 लीटर सूक्ष्म हल्का गर्म पानी में इसको डाल देना है। डलवा करके किसी भी डॉक्टर को डाल करके डॉक्टर को बुला लीजिएगा, डॉक्टर को बुला करके इससे स्लाइन सेट से नस में, कान के नस में दवाई को, पानी इस बोतल को चढ़वाइएगा, आधा आधा, फिर सुबह चढ़वा दीजिएगा 24 घंटा के बाद, आधा जब चढ़वाइएगा उसके 24 घंटे के बाद आधा दवाई रख दीजिए कहीं छाया में, फिर चढ़वा दीजिएगा। आप कहिएगा डॉक्टर, हमको डॉक्टर नहीं मिलेगा, हम कैसे नस में पानी चढ़वाएंगे, गाय भैंस कैसे पटकवा सकते हैं, तो आपको एक और उपाय बता रहा हूँ, साधारण उपाय बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। किसान बंधु, गाय या भैंस का दोनों चमड़ा जो होता है गर्दन में आप नीडिल मार दीजिएगा, नीडिल मार को चमड़ा और नीडिल बाहर खींच दीजिएगा, इस दवाई को सिरिंज में खींच करके दोनों और गर्दन में आधा दवाई को चढ़ा देना है। ये ना सोचिए कि सिरिंज में चढ़ेगा, पांचों सिरिंज लगे, सिरिंज 20 ml का सिरिंज, 30 ml का सिरिंज आता है, दोनों तरफ दवाई खींच खींच करके दोनों और मांस में, नीडिल मारने के बाद में मांस और नीडिल को पकड़ के खींच दीजिएगा तो चला जाएगा, सब कट हो जाता है, मांस चमड़ा के बीच में दवाई रह जाएगा, इसको मांस में देना, इतना ध्यान देना है, मांस चमड़ा के बीच में दवाई दोनों और आधा दवाई चढ़ा दीजिएगा, अपने से चढ़ा दीजिएगा, फिर 24 घंटा के बाद जो दवाई आधा बच जाएगा 24 घंटा के बाद फिर उसी तरह गर्दन में दोनों सबकट मांस और चमड़ा के बीच में नील खींच करके दवाई दोनों तरफ चढ़ा देना है। इससे देखिएगा रामबाण तरह के काम करेगा, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने से ही काम कर सकते हैं। केवल बोतल के दवाई लेना है, एक सिरिंज 20 ml का, दो ठो सिरिंज 20 ml का ले लेना है, दवाई खींच एक आदमी खींच करके आपको देगा, आप दबाते रहिएगा उसमें सबकट नीडिल गाढ़ा करके, एक आदमी फिर खींच कर देगा, इसी तरह आप चढ़ा सकते हैं। अगर हो सके तो डॉक्टर को बुलाकर भी चढ़वा सकते हैं, स्लाइन सेट से कान के नस में, ब्लड में, नस में, अगर नस में नहीं चढ़वा सकते हैं तो सबकट मांस से आप दिलवाइए, हमारा गारंटी है। माइफेक्स अगर एक बार दिलवाइए, आपकी गाय भैंस का दूध 2 दिन के अंदर में, 36 घंटा के अंदर में आपके आ जाएगा, मात्र 2 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी गाय भैंस
फिर उसकी भी आज नहीं लगेगा, दूध भी बच्चा को पिलाने लगेगी, थन का भी विकास होगा, सारा बीमारी का जड़ें ठीक कर देगा माइक चेक से। किसान बंधु एक बार इसको यूज करके देखिए और हमको बताइएगा। अगले बार फिर आऊँगा किसी पशु संबंधी बीमारी के विषय में बताता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जय हिंद जय भारत।